यूपी के हमीरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया को बिना मास्क लगाए मीटिंगों में, उनके दफ्तर में और सुबह मॉर्निंग वॉक करते, जॉगिंग करते देखा जाता है। हमीरपुर के सीएमओ डॉक्टर राजकुमार सचान कोरोना की इस भीषण महामारी में भी बिना मास्क के धड़ल्ले से घूमते और ऑफिस में बैठे देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, वो मीडिया को भी बिना मास्क लगाए बाइट देते नजर आते हैं, जबकि आम आदमी को बिना मास्क लगाए जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। अरे वाह सीएमओ साहब, जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमीरपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया सीएमओ साहब अपनी जान की फिक्र नहीं है और दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं हिदायत। हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों का मिलना और धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन लोग अभी भी बेफिक्र होकर बाजारों में घूम रहे हैं, उनके चेहरे पर मास्क तक नहीं होता और हद तो तब हो गई जब हमीरपुर जिले के मुखिया यानी कि सीएमओ साहब खुद ही मास्क न लगाकर हर जगह घूम रहे हैं, चाहे वह जॉगिंग करने का वक्त हो या अपने चैम्बर में बैठने का हो या लोगों से मिलने का हो। यही नहीं, मीडिया के सामने बाइट तक बिना मास्क के ही देते हैं और इससे क्या कहेंगे जाएगा, सीएमओ साहब की समझदारी या ना समझदारी, क्योंकि इनकी ना समझदारी लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। हमीरपुर से सीनू साथ एनबी न्यूज़।